हाँ भी बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए अब अपने करेंगे रेस्पिरेशन का पार्ट नंबर 7। देखिए इस चैप्टर से संबंधित आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो मुझे आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9521252464। मैसेज क्या लिखकर करना है? रेस्पिरेशन। तो आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। अपने बात कर रहे थे पारवी कमल का भविष्य, और पिछली क्लास में अपनों ने किया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पारवी कमल का भविष्य, यानी अगर अनऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो पारवी कमल का क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ठीक अनऑक्सीजन होगा, जिसके फलस्वरूप किण्वन प्रक्रिया चलेगी। किण्वन, ठीक, किण्वन को परिभाषित किया था अपनों ने, और किण्वन के प्रकार देखे थे, ठीक, एल्कोहलिक किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन और ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन, ठीक, चार हो गए थे। एल्कोहलिक किण्वन का मतलब पारुक एसिड से अंत में क्या बनेगा? एल्कोहल। लैक्टिक अम्ल किण्वन यानी पारुक एसिड से अंत में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार पारुक एसिड से अगर अंत में एसिटिक अम्ल बने तो एसिटिक अम्ल किण्वन, और ब्यूटायरिक अम्ल बने तो ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। तो वो अपना हो गया था, ठीक। एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि किण्वन क्यों होता है, तो वो अपने आगे देखेंगे। अब बात करते हैं अपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण होगा। क्या होगा? ऑक्सीशोषण, ठीक। इसमें क्या होगा, जो अपना पारविक एसिड है, यह पारविक एसिड किस में एंटर करेगा? अभी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, पारविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंटर करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसकी प्रकृति क्या है, यानी जो पारविक एसिड है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और यहां से क्वेश्चन भी आता है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक, इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति को अपने आगे समझेंगे, ठीक। प्रकृति में बता रहा हूं, प्रकृति होगी ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक। पाइरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या होगा? ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। अब इस रिएक्शन को मैं लिख दूं थोड़ा डिटेल में, और साथ में ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण का क्या मतलब वो भी अपने देख लेते हैं। देखिए ये अपना पाइरुविक एसिड हो गया, और आपको पता है ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक एसिड के कितने अणु बने हैं? दो अणु बने हैं, तो मैंने दो लगा दिया। प्लस कोएंजाइम ए, इसके भी दो अणु ही हैं। प्लस NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव, इसके भी दो अणु। आगे जगह नहीं है तो मैं रिएक्शन नीचे लिख रहा हूँ। एंजाइम कौन सा हो जाएगा? पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज बनेगा क्या? एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH प्लस HA पॉजिटिव, ठीक। पाइरुविक एसिड कोएंजाइम ए और NAD पॉजिटिव, इन तीनों के दो दो अणु, ठीक। एंजाइम पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज, और ये प्रोडक्ट बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 और NADH प्लस HA पॉजिटिव, ठीक। इनके भी कितने अणु? दो दो अणु, सभी के दो दो अणु, इसके भी दो अणु, इसके भी दो अणु, और NADH प्लस H पॉजिटिव के भी दो अणु, ठीक।
अब देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है वो कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और इस रिएक्शन की प्रकृति क्या है? प्रकृति मैंने आपको क्या बताई थी? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकर। एग्जाम में कई बार आया हो अभी ये कंपटीशन एग्जाम में, नीट के एग्जाम हो गए, ये जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनमें ये जो रिएक्शन है इसकी प्रकृति क्या है? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, वो ये रिएक्शन देगा और पूछेगा कि ये जो रिएक्शन है इसकी प्रकृति क्या है, तो जिसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन गलत होंगे और एक ऑप्शन ये भी दिया होगा जो सही होगा, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। इसका क्या मतलब हो गया? ऑक्सीकारी मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकारी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण देखिए किसका हो रहा है? पारविक अम्ल का। कैसे हो रहा है? पारविक अम्ल से हाइड्रोजन निकलेगी भी, क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन निष्कासित होती है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो पारविक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगी, यानी यहाँ पर पारविक एसिड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, और जो निष्कासित हाइड्रोजन है उसको कौन ग्रहण करेगा? को एंजाइम। यहाँ पर कौन सा है? को एंजाइम एनएडी पॉजिटिव। तो एनएडी पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन को ग्रहण करके एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव में, यानी इस रिएक्शन में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकारी आ गया। ठीक, विकार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना, तो ये CO2 रही। इस रिएक्शन में क्या निकली है? CO2 भी निकली है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है और साथ में CO2 निकल रही है। ठीक, तो ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है? हाइड्रोजन के निकलने से, जिसको कौन ग्रहण कर रहा है? NAD पॉजिटिव, और क्या बन रहा है? NADH प्लस एच पॉजिटिव। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखिए, अब देखिए ये जो रिएक्शन हुई है ना, इस रिएक्शन में पांच सहकारक होते हैं, पांच सहकारक। जो अपना एंजाइम था पाइरूवेट या पाइरूविक डीहाइड्रोजिनेज, ठीक, उसमें कितने कोफैक्टर मिलते हैं या कितने तरह के कोफैक्टर भाग लेते हैं इस रिएक्शन में? पांच तरह के। तो जो सहकारक है वो पांच होते हैं भी इस रिएक्शन में, या इस एंजाइम से जुड़े हुए, वो कौन कौन से वो देखिए। पहला है कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए जो उन्होंने मेंशन भी किया था, फिर एनएडी पॉजिटिव ये भी मेंशन किया था, नंबर दो एनएडी पॉजिटिव, फिर MG2 पॉजिटिव, ठीक है, और फिर लिपोइक एसिड, लिपोइक अम्ल, और अंतिम है TPP थायमिन पाइरोफॉस्फेट। ठीक, थायमिन पाइरोफॉस्फेट। तो ये पांच क्या है? सहकारक है। ठीक, और सहकारक मैंने आपको क्या बताया था? जो एंजाइम होता है, एंजाइम अपना, यहाँ पर एंजाइम कौन सा था? पाइरूविक डीहाइड्रोजिनेज। तो जो एंजाइम है पाइरूविक डीहाइड्रोजिनेज, उसमें एक तो क्या है? प्रोटीनी भाग है, और दूसरा क्या है? अप्रोटीनी भाग है। प्रोटीनी भाग को अपने क्या कहते हैं? एपो एंजाइम, और अप्रोटीनी भाग को क्या कहते हैं? को फैक्टर, को फैक्टर। यानी जो पाइरूविक डीहाइड्रोजिनेज है उसका जो प्रोटीनी भाग है, यानी जो एपोएंजाइम है, उसके साथ पांच तरह के अप्रोटीनी भाग है, या पांच तरह के कोफैक्टर जुड़े हुए हैं, वो कोफैक्टर ही है। ठीक, आगे देखिए, यहां पर एक नंबर का
क्वेश्चन बनता है अभी कि किस योगी को ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी माना जाता है? तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र जो अपने आगे पढ़ेंगे, ये बना रखा है मैंने, क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है भी ये। अब अपने करते हैं क्रेब्स चक्कर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिक मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए और एसिटाइल कोएंजाइम ए अब किस में एंटर करेगा? क्रेब्स चक्कर में। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 7 है। नेक्स्ट करेंगे अपने अगली क्लास में।